गुड इवनिंग, वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट आज फिर एक गैप डाउन हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हुई थी ट्यूसडे को। मीनवाइल हमारा ऑफ था ट्यूसडे, सो आज एक और गैप डाउन हुआ और निफ्टी अराउंड 200 पॉइंट्स नीचे खुली थी। तो जैसे कि हमने मेंशन किया था कि 16,850 के ऊपर ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ कैन बी सीन ओनली इफ निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 16,850। तो गैप डाउन होने की वजह से 16,850 क्रॉस ही नहीं हुआ, तो ये गैप अभी भी रह गया है। अब गैप जो है वो है 16,815 से लेकर 16,843 तक। तो ये गैप कम हो गया है बट अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप रेजिस्टेंस रहेगा अभी भी। थोड़ा हम क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम ये एंड ऑफ डे वीडियो बनाते हैं, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ बुलिश लिख दिया तो और पहले हमने बोला था कि 16,850 पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हमें एक एंटिसिपेट करना होता है, क्योंकि ये एंड ऑफ डे वीडियो बनती है और हम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सारी पॉसिबिलिटीज हमें आपको बतानी पड़ती है। तो व्यू बुलिश इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि व्यू बुलिश इसलिए था क्योंकि निफ्टी लास्ट 2 डेज के हाई के ऊपर बंद हुआ था। और हमने ये, अगर आप वीडियो देखें, तो हमने ये मेंशन किया था कि 16,850 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, तभी यहाँ मेंशन है। और हम ये जो वीडियो में टेक्स्ट में लिखते हैं वो अगले दिन चेंज नहीं करते, तो आपके सामने ही चेंज करते हैं, तो इसलिए हमने 16,850 के ऊपर मेंशन किया था कि स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो इसलिए व्यू बुलिश लिखा था। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अगर आप वीडियो देखें कि हमारा टोन क्या है और हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही हमने एंड ऑफ डे वीडियो का रखा है। तो इसलिए आप ध्यान से सुने जो हम बोल रहे हैं, और अभी भी हम ये बोल रहे हैं 16,816,850 के ऊपर ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और ये गैप फिल हो जाएगा। तो प्लीज नोटेड डाउन, 16,850 इज द लेवल, अबव दैट यू कैन सी 17,000 टू 17,100 फर्स्ट। तो यू कैन एक्सपेक्ट 200 से 250 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिल सकती है। व्यू ये मेंटेन्ड है अभी, और क्योंकि निफ्टी आज कल का लो नहीं, मंडे का जो लो था 16,356 वो नहीं टूटा है, तो अभी भी व्यू बुलिश ही रहेगा हमारा। बट स्ट्रेंथ और जो हम बाइंग रिकमेंडेशन है वो 16,850 के ऊपर ही देंगे, तो इसको व्यू बुलिश नहीं, बेरिश तो नहीं लिख सकते, क्योंकि निफ्टी अभी भी हालांकि आज 1% डाउन थी, बट अभी भी पुराना जो ये एक सिग्निफिकेंट लो है 16,356 का नहीं टूटा है, तो व्यू न्यूट्रल कर सकते हैं और बुलिश अबव 16,850। व्यू न्यूट्रल है अभी एंड बुलिश अबव 16,850। तो हम अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और ये अभी व्यू है। स्ट्रेंथ कैन बी सीन इफ निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 16,850 फॉर टारगेट्स ऑफ 17,000 टू 17,100। इसको कॉल्स के थ्रू प्ले करिए, फ्यूचर्स के थ्रू नहीं प्ले करिए। कॉल्स आप ले सकते हैं मंथली या नेक्स्ट वीक की। और नीचे 16,000 ये मेंटेन्ड है, 16,000 16,200 अभी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो एक अगर कोई और नेगेटिव न्यूज़ आती है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इतना है, तो आप इस बात को समझिए कि अगर न्यूज़ फ्लो इतना है तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। और अगर अब जैसे आज रात को कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ गया, कोई नेगेटिव कमेंट आ गया, तो निफ्टी फिर एक बार 16,200 की तरफ जा सकती है और 16,200 तोड़ भी सकती है। उसके बाद ये 16,000 से 16,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर आप ऊपर इंटरेस्ट भी देखें तो। तो 16,000 टू 16,200 विल बी एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, एंड इफ इंडेक्स सस्टेन्स बिलो 16,000 देन वन कैन एक्सपेक्ट 15,400 टू 15,500।
सो निफ्टी पे हमारा यही व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी पे हम बेरिश थे, अगर आपने देखा हो बैंक निफ्टी पे हमारा बेरिश व्यू था और बैंक निफ्टी पे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ था। तो अभी 35,000 आज किसी तरह होल्ड कर लिया है और एक हैमर कैंडल बनाया है। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बट इसको जैसे कि 35,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, तो इसके नीचे थोड़ी देर जाके वापस बैंक निफ्टी ऊपर आ गई है। तो अभी भी हम वेट करेंगे, ये लेवल चेंज कर देते हैं 34,000, क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और सस्टेन नहीं हुआ, तो ये 34,900 कर सकते हैं। तो ये हैमर अगर बना है, ये हैमर अभी बना है, इसके ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए रिवर्सल के लिए। तो 35,000 टू 35,200 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। वेट फॉर कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बन गया है, हैमर कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड अबव ऑन क्लोज अबव टुडेज हाई, तो आज के ऊपर, आज के हाई के ऊपर बंद होना चाहिए बैंक निफ्टी, तभी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। फिर हम टारगेट्स देखेंगे क्या ऊपर के टारगेट्स लगते हैं। तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन क्लोज अबव टुडेज हाई एंड 34,900 अब एक सपोर्ट हो जाएगा, जो कि ये 100 पॉइंट के नीचे जस्ट वो उसको 100 पॉइंट्स ब्रेक करके वापस ऊपर क्लोज हो गई बैंक निफ्टी। तो सस्टेन करना और प्रेफरेबली क्लोज करना, क्योंकि अगर आप देखें इतना बड़ा टारगेट है, जैसे आप कुछ लोग कह सकते हैं कि भी 35,000 ब्रेक कर दिया तो अब आपका टारगेट एक्टिवेट हो गया 32,500 33,000 का। तो मेरा उनको ये रिप्लाई रहेगा कि 100 पॉइंट से ब्रेक करके ऊपर आना, क्योंकि इतने वॉलेटाइल टाइम्स हैं ये पॉसिबल है। अगर उसको सस्टेन करने दें या क्लोज भी करने दें, अगर क्लोज हो जाता है तो आपको, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 35,000 ब्रेक हो गया तो आपने कोई पुट या कुछ शॉर्ट पोजिशन बना ली और जैसे ही बैंक निफ्टी वापस 35,000 के ऊपर आ जाती है, क्लोज देती है, तो आप उससे एग्जिट हो जाएं। क्योंकि इतने वॉलेटाइल टाइम्स में वो जो एकदम परफेक्ट सपोर्ट देना कि 34,897 से वापस होगी, ये कह पाना मुश्किल है। तो आपको अगर स्क्रीन देख रहे हो इंट्राडे तो आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, 35,000 के नीचे सस्टेन नहीं हो रही, तो आप 100-200 पॉइंट का जो भी लॉस दे के आप फिर से एग्जिट कर जाएं अपनी शॉर्ट पोजिशन। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो नो डाउट 35,000 ब्रेक हुआ है, बट 34,900 लगा के काफ़ी जल्दी पुल बैक आ गया बैंक निफ्टी में, तो इसलिए अभी वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अभी चेंज कर दिया 34,900। आगे से अगर ऐसा कोई लेवल टूटे और वापस वो दूसरी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाए तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज अगर 35,000 के नीचे शॉर्ट किया हो और बैंक निफ्टी वापस 35,000 के ऊपर चलेगी तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट सकते हैं और वेट करें अगले दिन का, क्योंकि हैमर भी बन गया है तो ये बुलिश रिवर्सल स्टिक कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो इस जो रिवर्सल पैटर्न होता है इसको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, कंफर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन क्लोज अबव टुडेज हाई। तो आज के हाई के ऊपर अगर थर्सडे को अगर आज के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाती है तो एक रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। तो व्यू अभी हम बेरिश से न्यूट्रल रखेंगे, क्योंकि एक हैमर पैटर्न बनाया है। बेरिश बिलो 34,900, तो व्यू ये रहेगा, अभी न्यूट्रल रहेगा। और अगर कल अगर ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म हो जाता तो व्यू चेंज हो जाएगा बुलिश पे। ठीक है, तो ऊपर में गैप रेजिस्टेंस जोन है 36,700, वो तो अभी काफ़ी दूर है, और नीचे में 35,000 को हम एक अभी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान रहे हैं। अगर आप ओआई भी देखें तो वहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू रहेगा अपना, वेट करें कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न का कंफर्म करने के लिए अगर आपको लॉन्ग जाना है तो। और नीचे में 34,900 के नीचे आपको 32,500 से 33,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
अगेन कुछ भी आप पोजीशन लें, कॉल्स या पुट्स के थ्रू लें, क्योंकि उसमें लिमिटेड रिस्क रहता है, एंड फ्यूचर्स के वाया फ्यूचर ना लें क्योंकि उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, और इतना गैप अप गैप डाउन अगर आप नहीं झेल सकते तो कॉल्स और पुट्स के थ्रू ही ट्रेड करें। बाकी आज क्रूड काफ़ी ऊपर था, हमने क्रूड में राय दी थी। अगर आप देखें 96 के ऊपर जो ये सस्टेन हुआ था, और ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, जैसे कि हमने कहा था राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है, तो 110 से 115 का टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो आज 111 का टारगेट आ गया है। और अगर आपने बाय किया था तो आप बुक कर सकते हैं, और 110-15 एक ही रेजिस्टेंस जोन होगा, इतने आसानी से क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें प्रीवियस उसमें तो ये वीकली चार्ट में, तो इसलिए ये 110 से 15 एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि बार बार ये 2012 में भी उसके पास गया था तो काफ़ी सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 110 से 115। तो 110 से 115 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा ये डिप करेगा, और अगर इसको क्रॉस करना भी है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या थोड़ी करेक्शन दिखा सकता है, और फिर 115 के ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो सीधा जो पुराना हाई था अराउंड $150 वही है, और बीच में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, अनलेस कुछ न्यूज़ आ जाए तो कोई मेजर वो नहीं है रेजिस्टेंस, और तो 110-15 पे इतनी जल्दी क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और फिर अगर स्ट्रेंथ दिखाता है 115 के ऊपर तो आप इसको पुराना हाई की तरफ एज्यूम कर सकते हैं, जा सकता है। तो ये हमारी राय अभी रहेगी कि 110-15 रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजिशंस आप काट सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the daily technical traders room, which is a broadcast channel on Riggy app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.